सुनो, माँ का फोन आया था, यहाँ आने की कह रही हैं, क्या करूँ? करना क्या है, कोई जरूरत नहीं है उनको यहाँ बुलाने की, मुझसे नहीं होगा उनका काम। ऐसा है ऐसा उनको है ना, वृद्धाश्रम छोड़ो, पर यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है उनको, समझे? वृद्धाश्रम? यार वो वहां पे कैसे रहेंगी, तू भी तो सोचना। मैंने कह दिया ना वो यहाँ नहीं आएंगी, आप उनका कुछ और देख लो। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं काम करता हूँ, उनको यहीं ले आता हूँ। अरे मैं मना कर रही हूं ना। अरे तू मेरी बात तो सुन, यहाँ आएंगी तो तू उनसे घर के काम वगैरह करा लेना। पूरी अरे पर मैंने कामवाली तो लगा रखी है ना। बात नहीं सुनेगी, अपनी अपनी कहती रहेगी। अरे वो घर के काम करेगी तो तू कामवाली को हटा देना ना, और जब तू कामवाली को हटा देगी तो जो पैसे बचेंगे उससे तू अपनी शॉपिंग करना। हाँ यार ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा ये बताओ कब लेके आ रहे हो मम्मी जी को? ऐसा करता हूँ, आज ही ले आता हूँ। तो ठीक है अब जल्दी जाओ, मम्मी जी इंतजार कर रही होंगी आपका। ठीक है। मम्मी जी अब आप यहाँ आराम से रहना, ठीक है ना? ये भी ना, क्या हुआ बहू? वो मेरे काम वाली का मैसेज आया है, अब वो गांव जा रही है। अब बताओ काम के चक्कर में तो इसको लगाया था, मेरे तो हाथ में इतना दर्द रहता है, मुझसे तो कुछ काम भी नहीं होगा, अब क्या करूं मैं? तो क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना, हम दोनों मिलके घर का काम कर लेंगे। मम्मी जी आप मेरे साथ हो तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? ऐसा है अभी सिंक में है ना बर्तन पड़े हैं, और अभी साफ सफाई भी नहीं हुई है, तो आप ऐसे करो पहले बर्तन कर लो और फिर साफ सफाई कर लेना। ठीक है बहू मैं कर दूंगी। तो ठीक है मैं इतने ना खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है बहू, वो काम तो हो गया, अब तो खाना लगा दे। मम्मी जी खाना खाना मैं लगा तो दूँ पर मेरा तो हाथ ही जल गया, आज सारी चाय है ना मेरे हाथ पे गिर गई, अब मैं खाना कैसे बनाऊँ? पर बहू अब खाने का, मम्मी जी अब जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। ऐसा है मुझे तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, प्लीज़ मम्मी अब खाना बना दोगे मेरे लिए? ठीक है बहू। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है, और फिर एक दिन, यार सच बताऊं मेरे तो मजे ही मजे हैं जब से मेरी सास आई है, मेरी तो हर काम से छुट्टी हो गई है, या ये कह ले मुझे तो फुल टाइम मेड मिल गई है, यहाँ तक कि अब तो खाना भी मुझे बना बनाया मिल जाता है। यार तू मेरी माने ना, तू भी अपनी सास को यहीं बुला ले और फिर तू भी जी भर के ऐश कर। माँ बाप ने जिस औलाद के लिए दिन रात मेहनत कर अपना पेट काट कर उन्हें पढ़ाया लिखाया, अपने सपनों को भूलकर उनके सपनों को पूरा किया, वहीं कुछ औलाद बुढ़ापे में उनको ये दिन दिखाती हैं। जब माँ बाप बच्चों के लिए अपने पूरे फर्ज निभाते हैं तो वहीं औलाद अपने फर्ज निभाने में क्यों चूक जाती हैं।